और आप देखिए देखो पीछे की तरफ 35 दिन बाद ये पहिए के ऊपर आए थे। एक तरह से इनकी जिंदगी वापस पहिए पर अब आ जाएगी कुछ दिनों तक। हेलो नमस्कार राम राम जय श्री राम। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हमारे भाई जो हैं नुमाद जी जो रवि भाई हैं आज इनका स्वागत हो रहा है नागा हनुमानगढ़ी पे और यहाँ से जो यात्रा है इनकी वो जो है कंप्लीट होगी पूरी अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए। तो जितने भी हमारे बड़े भाई लोग हैं सब ने इनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया है और हम लोग भी चलते हैं आज इस पदयात्रा को समापन की ओर ले जाएंगे बहुत ही जल्द। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी पूछेंगे रवि भाई आज कैसा लग रहा है आपको, आज आपका जो 800 किलोमीटर का सफ़र है फाइनली अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। मैं एक तो रात को सो नहीं पाया सही से क्योंकि मुझे मंदिर पहुंचना है बस। अच्छा। पहुंचना है मैं जयपुर से यहाँ चुका हूँ 32 बंदा है और मतलब सब्र नहीं हो रहा मुझसे कि भाई मैं कैसे रुकूँ। आज मेरे 5 दिन है जब मैं रात को ऐसे सो नहीं पा रहा हूँ सही से कि भाई बस मुझे पता है कि थोड़ी दूरी पे है यहाँ से बस निकलो निकलो यही लग रहा है रात को बस बार बार और सुबह उठने के बाद लग रहा है भाई कब चले हम यहाँ से। तो आज आते ही आपने हनुमान जी का आशीर्वाद भी ले लिया जी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है तो आज शौर्य दिवस के दिन पे आप बहुत ही अच्छी जो है प्रभु श्री राम की जो दर्शन प्राप्त करेंगे। और अयोध्या में अभी 6 दिसंबर बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कुछ 6 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है अगले बोल रहे हैं लोग लेकिन सनातन धर्म के लिए 6 दिसंबर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन मैं यहाँ पे आया हूँ राम दरबार जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए मेरा सौभाग्य ही है और अयोध्या वासी से मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा अयोध्यावासी को। यहाँ पे लोगों ने भरपूर स्वागत किया। धन्यवाद आपका कि आपने इस मुहिम को स्टार्ट किया और हम लोग आपसे जुड़ पाए उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस जो पद यात्रा को आगे बढ़ाते समापन की ओर। जय श्री राम जय श्री फिर से बोलो जय श्री राम। और अभी यहाँ पर हमारे बड़े भाई हैं प्रकाश जी कैसे भैया और हमारे मित्र हैं रवि भाई इनका आपने स्वागत किया और कुछ कहना चाहेंगे इनके जो इस कदम इस मुहिम के लिए। रवि भाई के लिए प्रभु श्री राम से हनुमान जी महाराज से बहुत आशा करते हैं क्योंकि यात्रा सफल संगमय हो इन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसके लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए तो सभी के अंदर नहीं आ सकता है और रवि भाई ने इस चीज़ करके हम युवाओं के लिए गोल्डन सूत्र बने हैं और आगे चल के हम सोचेंगे कि और सभी युवा लोग भी इस चीज़ के लिए आकर्षित हों और आगे चल के ये मार्गदर्शन करेगा रवि जी लोगों को प्रेरित करें युवाओं को। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु श्री राम जी की कृपा रहेगी तो ऐसे ही और जो है योजनाएं बनेंगी कि लंबी लंबी यात्राएं हों पद यात्राएं हों। चलिए यात्रा का शुरुआत करते हैं मतलब यहाँ समापन के लिए शुरुआत करना पड़ेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं चौक चौक पहुंचने वाले हैं घंटाघर और मज़ा आ रहा है। चलिए चलते रहिए जय श्री राम। तो पीछे देख रहे हैं आप हमारे चौक घंटाघर और हम लोग इतनी दूरी तय कर चुके हैं और चौक के बाद बारी है साहिबगंज की और इसी रूट से हम लोग होते हुए बेनीगंज ITI और उसके बाद साकेत महाविद्यालय उसके बाद हनुमानगढ़ी होते हुए हम लोग अयोध्या राम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो इनके मरफत जो भी लोग मिलते जा रहे हैं वो स्वागत भी कर रहे हैं इनका और भाई का बहुत ही रिस्पेक्ट हो रहा है और बड़ा अच्छा लगता है यार कि ऐसी एक्टिविटी हमारे शहर में हो रही है इसीलिए हम लोग इनके साथ खड़े हुए हैं और लगातार चल रहे हैं इनके साथ। चलिए यात्रा को सफल बनाते हैं। जय श्री राम।
भाई के जो है फॉलोवर वगैरह बराबर रास्ते में उनको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। फॉलोवर का आज असली यूज़ हो रहा है कि फॉलोवर खुद फॉलो कर रहे हैं। चलिए चलते रहिए, अभी हम लोग अमानीगंज पहुंच गए हैं। अमानीगंज से बस साकेत महाविद्यालय थोड़ी दूर पर है और साकेत महाविद्यालय पहुँच के फिर अयोध्या। चलिए तो चलते चलते पहुंच गए हैं जालपा पर, जहां पचकोसी परिक्रमा मार्ग है और पीछे देख रहे होंगे आप हमारे। चलते हैं, यहां से भी थोड़ा ही दूर है साकेत महाविद्यालय, क्योंकि हम लोग 10-12 किलोमीटर लगभग चल चुके हैं, 4-5 किलोमीटर और बचा हुआ है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी फाइनली पहुंच चुके हैं अयोध्या का जो एंट्रेंस गेट है मेन वाला, वहां पर, और आगे चलते हुए बस इस यात्रा को सफल बनाने का प्रयास। चलिए मस्त मस्त मस्त। ये भैया है शुभम भैया, इन्होंने दूसरे की क्रेडिट अपने कंधों पे अभी 5 मिनट पहले ली है, और हाँ 5 मिनट पहले, हम और पहले नहीं बताएंगे और अभी कितनी दूर तक जाएंगे, वीडियो कॉल हो सकता है क्रेडिट वापस कर दें। हनुमान गढ़ी तक भैया लेके जाएंगे, इसके लिए भैया को बहुत बहुत आभार। उसके बाद भैया को उनका वो कारोबार संभाल देंगे, उसके साथ में हम लोग चलेंगे राम मंदिर, हाँ, नया घाट, हनुमान गढ़ी और कनक भवन। अच्छा वॉइस ओवर हमारे जो है अभिषेक भाई का, इतना खूबसूरत वॉइस ओवर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक्स विद रिगार्ड। बस थोड़ी देर के लिए ये बैग, ये जो बहुत ही भारी भरकम बैग है जो 800 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है ऑलरेडी, तो इसको 2-4 किलोमीटर हम भी धोकर देख रहे हैं भाई कि क्या है इस बैग की असली जो इसका वजन है ना भाई, टांगने के बाद पता चलता है। चलिए हमारे रवि भाई देखिए पीछे से कुछ कर रहे हैं, और भार बढ़ा रहे हो क्या भाई? ठीक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ट्रैकिंग हम भी करते हैं और इनके कुछ फॉलोअर्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा है क्या है, रवि भाई को सपोर्ट करिएगा कि आगे ऐसे ही ट्रैकिंग करते रहें और अयोध्या बार बार आते रहें, लेकिन पैदल नहीं भाई, बहुत पेन हो जाता है पैर, आराम से आए गाड़ी घोड़ा करके कुछ भी लेकिन पैदल ना आए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सही मायने में कहें आज ब्लॉकबस्टर और नुमान बाबा का कोलैबोरेशन हुआ है, उसका साक्षात प्रमाण है ये मेरे पीठ पर बैग। और अभी थोड़ा सा इनके फॉलोअर्स आ गए हैं, यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है, तो हम भी अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं यहीं पर। अभी थोड़ी देर 2 मिनट का मतलब स्टॉपेज है, उसके बाद सीधे हनुमान गढ़ी पर रुकेंगे अयोध्या और कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं साकेत महाविद्यालय, और साकेत महाविद्यालय के बाद माहौल है ऐसा कि सब देखते हुए चल रहे हैं आजू बाजू अगल बगल के लोग, और मज़ा आ रहा है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और कितना मज़ा आ रहा है कि बताते नहीं बन रहा है। और बस ये है साकेत महाविद्यालय का विहंगम गेट, और साकेत महाविद्यालय को भी सैल्यूट है कि बहुत से कर्मठ लोग यहाँ से पास आउट हुए हैं और अयोध्या का, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो भैया अब जो हमारे कंधे पे जो बहुत ही 800 किलोमीटर लंबा जो चलकर सफर तय हुआ था, एक बैग था हमारे कंधे पे, वो अभी फिलहाल भाई ने वापस ले लिया है, और वाकई में दिल ही जान रहा है, सच में मेरा दिल जान रहा है या फिर भाई का दिल जान रहा है कि दिल कितनी जोर से धड़कता है जब आप पैदल टप टप करते हुए चले। बस चलते रहिए, अभी थोड़ी दूर है हनुमानगढ़ी पहुँचते हैं, वहाँ पर भी पानी वानी पियेंगे थोड़ा सा, क्योंकि लगभग 14 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं नागा हनुमानगढ़ी से अयोध्या हनुमानगढ़ी तक, और बिड़ला धर्मशाला के पास पहुँचे हैं,
उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अग्रसर हैं लगातार। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये अभिषेक भाई जो है हमारे ठेके के फाउंडर, ठेका देसी चाय का, अरविंद से बच्चे करवा लो, तो उनकी दूसरी ब्रांच है, मतलब यहाँ फ्रेंचाइजी उनके ठेका की। और अर्पित भाई हैं हमारे इस ब्रांच के ओनर हैं, और इनसे भी बातचीत होगी अभी। और अर्पित भाई क्या हाल है? बढ़िया है, रबड़ी फ्लेवर फेवरेट है हमारी। चलिए, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अभी पहुँचे हैं, तो अभी पहले मंदिर जाने के पहले चाय नाश्ता, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, उसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन, और फिर कंटिन्यू करेंगे राम जी के मंदिर की तरफ, राम जन्मभूमि की तरफ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो रवि भाई, बहुत ही नज़दीक है अब आप अपने जो आपने प्रतिज्ञा ली, आपने प्रण जो किया है, जो है हाँ, उस जो लक्ष्य के बहुत ही करीब है, कैसा लग रहा है अभी मौके पे? अभी बस समझ नहीं आ रहा मुझे, बाकी बिल्कुल कुछ शब्द नहीं है, बस मुझे दर्शन करने को मिल जाए जल्दी। जल्दी मिलेगा, अभी भी आईपी अच्छे से ले जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है, बस चाय वाय पी लें थोड़ा सा। और सच बताऊँ, इतनी दूर चलने के बाद, इस चेयर पर बैठने के बाद जो है सुकून, आज इतना सुकून मिला जितना कभी मुझे सोफा या फिर किसी बहुत ही अच्छे लग्जरी कार में उसकी गद्दी पे बैठने में भी नहीं मिला था। तो मज़ा आ रहा है, और ये अनुभव रोज रोज नहीं मिलता है भाई, बहुत है। क्या हुआ? अच्छा, इधर इधर भैया अयोध्या वाले अपने गतिविधियों में व्यस्त हैं, तो हम उनको भी विराम देते हुए, अब चीज़ों की व्यक्तिगत ना बनाते हुए सार्वजनिक करेंगे धीरे धीरे, और इस यात्रा को समापन को जो है उसके समापन की तरफ स्मूथली ले जाया जाएगा, लेकिन कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ नाश्ता। तो अभी सभी भाई लोग का चाय ब्रेक हुआ है, और चाय पीने के बाद चलेंगे दर्शन करने के लिए। वो लोग बजरंग बली की जय। तो ठेगा के अयोध्या ब्रांच पर भी हम लोग आए, अर्पित भाई ने बिल्कुल वैसे ही चाय पिलाई जिसकी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ठेगा पर आके। अर्पित भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया, और इस खूबसूरत प्रतिष्ठान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल, हम आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, जैसे भी अयोध्या में सब लोग सेवा के लिए ही आते हैं, और कुछ लोग भगवान की पूजा के लिए भी सब लोग यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हम उनकी सेवा के लिए यहाँ पर हमेशा खड़े हैं। आप जब भी आए, भैया का वीडियो जो भी देखता है, वो जरूर एक चीज़ जान लें कि अयोध्या में जब आते हैं आप हनुमानगढ़ी के पास में, उसी के जस्ट पीछे हमारा एक अयोध्या में इकलौता ठेका चल रहा है, ठेका देसी चाय का, बाकी अयोध्या में कोई ठेके नहीं है। आपकी सेवा में आपका भाई हाजिर है एनी टाइम। आप बिल्कुल बिल्कुल आप लोग विजिट करिएगा यहाँ पर भी, आप नाका चुम्बी के ब्रांच से तो आप रूबरू हैं ही, अयोध्या में आइएगा तो ये दूसरा जो ब्रांच है ठेका का, ठेका देसी चाय का, वहाँ विजिट करिएगा। और चलते हैं अब अपने जो सफर को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। तो अभी अयोध्या हनुमानगढ़ी पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चौड़ीकरण की जो एक मुहिम है वो चल रही है, तो दुकानें तोड़कर थोड़ा सा जो यहाँ पर भीड़ भाड़ पॉश एरिया है, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत होती है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर चौड़ीकरण का जो अभियान चलाया जा रहा है, सारी दुकानें वगैरह छोटी हो रही हैं, तो देख रहे हैं सब टूट रहा है यहाँ पर। अब इससे स्थानीय लोगों को दिक्कत तो होती है, लेकिन अगर हम फ्यूचर देखें अगर अयोध्या का, तो इसी में है कि कहीं अगर भाई को कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, देख दर्द नहीं हो रहा है लोगों के लिए, जैसे जिनका यहाँ पर अनुभूति जिसको कहते हैं, जिनका यहाँ पर शुरुआत से व्यवसायिक अपना एक कार्यस्थल है, तो उनसे उनकी रोजगार छिन जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले टाइम में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाएंगी, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद जो भीड़ भाड़ का यहाँ पर रेशियो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये ज़रूरी भी है, और हर चीज़ का एक नकारात्मक पहलू तो होता ही है, तो उसी के साथ हम लोग अपने सफ़र को भी कंटिन्यू करेंगे सकारात्मकता के साथ। बने रहिए, पहुँच गए हैं बस हनुमानगढ़ी।
तो अभी हम लोग आ गए हैं हनुमानगढ़ी, जो अयोध्या हनुमानगढ़ी है उसके प्रांगण में। आरती का समय है तो अभी पट उसके बंद है, तो हम लोग यहाँ पर अभी डेरा जमा लिए हैं सारी मंडली। और काफ़ी अच्छा दृश्य है, यहाँ से हाइट पर है हम लोग थोड़ा, तो वो भी दिखाते हैं आपको। बहुत ही अच्छा प्लेस है, हवादार है पूरा। मतलब अगर आप थके हुए हैं जैसे कि हम लोग अभी मौके पर थके हैं, तो क्या करेंगे, घास का मैदान है, छांव देखकर वहां पर आराम से बैठ के अभी रेस्ट करेंगे। आधा एक घंटे बाद आरती हो जाएगा, भूख लग जाएगा, उसके बाद महाराज हनुमान जी कपाट खुलेंगे और भक्तों के लिए दर्शन का जो एक द्वार होता है वो खोल दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग भी श्री हनुमानगढ़ी श्री सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी जी के दर्शन करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का कुछ सिनेमैटिक शॉट। हैव अ लुक। सो गाइज, हियर आर सम बडीज आर शेयरिंग अबाउट मी रॉन्ग फॉल्स न्यूज। So, tell me what you saying when I shoot behind there and you say something about me, positive or negative, what you say? हिंदी बताओ तो हम कुछ जवाब दिए वही कहो। मतलब बहन, जब हम वीडियो बनावत रहे ना पिछवा, तो तू कहो बक्कत रहो मेरे बारे में। हम आपके बारे में कहा रहे हैं ये वीडियो इतनी बड़ी हो जाए कि प्रकाश झा प्रोडक्शन पीजीपी से बड़ी हो जाए, अच्छी बने हमें लागत बार। बूझ गए बहुत नीक से बूझ गए। और वही हम लोग ऐसा मंडली है, हम लोग कहे कि हम लोग अवधि के बिना न जी सकीला, न खा सकीला, न पी सके। अब आप भोजपुरी भोजपुरी में भी आ गए हम, थोड़ा सा लहर आ जाला ना भोजपुरी में आ गई। और भोजपुरी में आवे के ये मतलब होला कि जोन लोग जो आपकी बतिया का जो नज़रअंदाज कह दे एकदम से जो है हटाई देते रहे भाग यहाँ से, तो वो किया ऐसे बड़ा बड़ा कह के आपका ऐसे घूरे लागत है जैसे लगा था कोनो एलियन आए हुआ है। तो भैया लोग भाई हम लोग दांत चियार के हंस देते और ही हंस दिल्ली शुभम भैया। चलो कोई भी, तो चलिए अभी सब रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और थोड़ी देर विराम लेने के बाद अभी पैरों को थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, और सुकून मिल रहा है तो इसलिए विराम लिया गया है। तो कंटिन्यू करते हैं, हनुमान जी महाराज दर्शन करेंगे, उसके बाद राम जन्मभूमि, देखते हैं क्या क्या होता है। ब्लॉग थोड़ा सा लंबा जा रहा है, अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया तो मुझे पता है कि आपको पसंद जरूर आ रहा होगा, हिम्मत होगी आप लोगों को देखने। हाँ, और आगे देख लीजिएगा, यहाँ तक झेल लिए तो आगे भी झेलिए आप लोग, झेल लीजिए, झेलिए नहीं थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा देख लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं कि क्या मतलब हम लोग यहाँ पर बुकरादी कर रहे हैं, तो उसके बारे में कमेंट में बताइएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, नुमाद भाई के थ्रू आए हैं, रवि भाई के थ्रू, तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल वीडियो है। ऐसी वीडियो डेली नहीं बनाता हूँ, ना बन पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर बताइएगा हमें कि कैसा रहा आज का ये रिव्यू आपके लिए। बस कंटिन्यू करते हैं। उसके बने रोलेक्स पहना था, हाँ, तो उसने कहा कि एक इंसान आए, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी 200 रुपये की है, आपकी 10 लाख की है। समय तो ये भी बताती है, समय ये भी बताती है। तो उन्होंने ये कहा कि ये घड़ी आपका समय बता रही है और ये घड़ी मेरा समय बता रही है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ ना कि घड़ी क्या होता है ना कि घड़ी चाहे ये घड़ी हो चाहे 10 लाख की घड़ी हो, आपका समय कैसा चल रहा है। वही महंगी घड़ी ये बताती है आपका समय कैसा चल रहा है, घड़ी बताती है समय कितना हो रहा है। समय तो दोनों बताएंगे, बस वो आपका समय वो बताएगी, नहीं ये फर्क होता है। सही बात है, बाकी हम सस्ते वाले हैं। ये बहुत ही क्लिप मिल गया है, बहुत ही भावपूर्ण विच्छेद किया गया है समय और समय बताने वाले यंत्र की महत्ता का। आपने कुछ नहीं कहा तब भी बता दिए। फोन लेके इनके भैया हर्ष भाई के हाथ में घड़ी नहीं है, तो इनके लिए ये कहना चाहते हैं ये समय से परे हैं। अरे यार, इनके लिए घड़ी निकालो, वक्त से परे हैं, जो वक्त के पाबंद हो जाए फिर वो बहुत सही है ना, उनके लिए कोई मतलब नहीं है फिर जो। हाँ, वक्त के हिसाब से आपने चलिए, आपके हिसाब से वक्त होना चाहिए। तो विश्राम हो गया कंप्लीट, अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए। चलिए राम।
तो एक दूसरा मार्ग है और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे हनुमान गढ़ी के लिए। चलिए अभी जूते चप्पल यहीं पर उतार के उसके बाद चलेंगे। तो अभी हम लोग हनुमान गढ़ी में एंटर होने जा रहे हैं यहाँ के वीआईपी रास्ते से और फॉलोअर भाई के मिलते ही जा रहे हैं। और हम लोग का जो मतलब हम लोग का जो मेन जिसको कह सकते हैं पड़ाव जो है वो यहाँ पर आ चुका है। किसी भी क्षण हम लोग एंटर कर सकते हैं हनुमान गढ़ी के मंदिर के अंदर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये है नाका मतलब अयोध्या हनुमान गढ़ी का वीआईपी रास्ता और हम लोग को सौभाग्य मिला यहाँ से जाने का। चलिए चलते हैं महाराज हनुमान जी के दर्शन कराते हैं आपको। बने रहिए कंटिन्यू करते हैं। अभी पहुंच गए हैं हनुमान गढ़ी जी के दरबार में हनुमान महाराज जी के और चल रहे हैं अब उनका दर्शन करते हैं। आपको भी कराते हैं, बने रहिए लास्ट तक। चलिए साथ में। बहुत भीड़ है। प्रशासनिक को धन्यवाद, इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ही व्यवस्था बनाए रखे हैं यहाँ पर प्रशासन और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। और चलते हैं अभी वापस निकास द्वार की ओर। तो स्वागत हर जगह होता है एक अतिथि की तरह, बहुत अच्छा लगता है और हमको भी अंदर से फीलिंग आती है कि इनके साथ हमने भी वो जो है लम्हा जिया है और आगे भी दिखाते रहेंगे ऐसी चीज़ें आपको। बने रहिए अभी कंटिन्यू करते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और बाकी है, कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हो गए हैं हनुमान गढ़ी जी के दर्शन और अब यहाँ से देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्योंकि 3-4 लोकेशन है जहाँ पर हमें विजिट करना है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हो रहा है, नंबरिंग नहीं हो पाई है। तो अभी डिसाइड करके तब बताते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं आप अगले लोकेशन पर। तो अभी बहुत ज़्यादा चलने के बाद अभी थोड़ा सा सौभाग्य मिला है अन्नकूट करने का। भाजी मतलब इतना सपोर्ट, इतनी भीड़ में मतलब धन्य हो गया मैं सभी से मिलकर। अर्धवासी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
लेकिन एक कमिटमेंट करिए, ये व्लॉग आप स्टोरी पर शेयर करेंगे। शुरू करेंगे नहीं, ठीक है, अच्छा लगेगा। सबको रीशेयर करूंगा, रीमेक करूंगा, कितने भी लोग मुझे देख रहे। चलिए, और ये कनक रसोई है, कनक सरकार रसोई। यहाँ का खाना बहुत ही डिलीशियस होता है ऐसा मैंने सुना है, मैं पहली बार खाने जा रहा हूँ, तो उसका भी रिव्यू हल्का सा देते हैं आपको। और नाम कनक जी से जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें अच्छी मिलेंगी यहाँ पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं और तृप्त करते हैं अपनी अंतरात्मा को। जय श्री राम। तो सभी को बता दूं, बड़ा ही टेस्टी सा ये थाली देखने में लग रहा है, और 100-110% बोल रहा हूँ खाने में भी टेस्टी, क्योंकि जो हम लोग की स्मेलिंग पावर होती है ना, उससे सुनकर बता देते हैं कि खाना कितना टेस्टी है। एक्चुअली व्लॉगिंग करते हुए फोटो आ गई तो हमारे भाई हर्ष भाई हैं, इनको भी जुकाम उनको हो रखा है, लेकिन फिर भी बहुत ही मेहनत और गुलाब होते हुए ब्लॉकबस्टर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डाइनिंग सेशन और शुरू करते हैं। वाह भाई, ये पहला बाइट लेते हुए अभिषेक भाई कैसा है? अरे पहले चबा तो ली, दो तीन हम दो तीन बार खाए हैं ना, हाँ इसलिए कहना पड़ेगा। वाह, तो इनके रिकमेंडेशन पे हम लोग आज आए हैं कनक रसोई, कनक रसोई, कनक सरकार रसोई में, श्री कनक सरकार रसोई में। और ये टेस्टी सा खाना अब हम भी लोग जा रहे हैं टेस्ट करने। तो ये रोटी है पूरा एकदम मक्खन से सना हुआ, काफ़ी दिन बाद सलाद में ये पनीर और टेस्ट इसका। अब तो उत्तम विहंगम, क्या बात है। सैलेड में गाजर है, मूली है। चलिए अब जल्दी से अपना ये थाली खत्म करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हो गया है अंतरात्मा और पेट दोनों तृप्त। भैया का पापड़ और थोड़ा सा सैलेड बचा हुआ है, वो भी धीरे धीरे खा के खत्म कर रहे हैं। मुझ बन गई है तो बने कि नहीं तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज, बहुत ही जो है उत्तम क्वालिटी का, कि जहाँ पर हम लोगों ने अभी अनुभव किया है, मतलब भोजन किया है। और इसके बाद देखते हैं क्या, अभी थोड़ा परमिशन का है तो फिर हम लोग राम जी के जन्मभूमि पर जा रहे हैं, यहाँ मंदिर है, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और चलेगा ये ब्लॉग अभी थोड़ी देर और चलेगा, जैसे इतनी देर आपने देखा वैसे थोड़ी देर और देख लीजिए और कंटिन्यू करते हैं। भाई प्रसाद प्रभु को। तो एक मीडिया प्रभारी जी भी हैं साथ में, भाई का इंट्रोडक्शन या फिर जो भी जानकारी उन्हें चाहिए होगी लेंगे, उसके बाद चलेंगे राम जन्मभूमि की ओर। और अभी हम लोग चल रहे हैं राम जन्मभूमि की तरफ, उसी मार्ग पे अक्सर है, और चलते हैं बस जल्दी से पहुंचते हैं। तो मंदिर में फ़ोन वगैरह नहीं अलाउड है, तो अभी फ़ोन को हम लोग कर रहे हैं लॉकर में जमा। चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ से और वापस आकर आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग दर्शन करके जस्ट आए हैं, और हमारे ही क्षेत्र के ये इंस्पेक्टर सर हैं। नमस्कार सर, जय श्री राम। तो सर, सर की तरफ से हम लोग को ये चाय की जो है, और दादाजी ने बहुत ही टेस्टी चाय बनाई है, दादाजी भी बहुत ही तजुर्बे वाले चाय बनाते हैं। और आज अभिषेक भाई जो कि दुनिया को चाय पिला रहे हैं इस समय, आज वो भी चाय पीकर कह रहे हैं वाह क्या चाय है। अभिषेक भाई सही बात है ना, होटल जाती है जी,
हमने भी एक कुछ इसके लिए बहुत अच्छी चाय है। और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे कनक भवन, और कनक भवन से दशरथ गद्दी, एक दो मंदिर और लेकर फिर वापस चलेंगे राम की पैड़ी की तरफ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं कनक भवन मंदिर पे, और अभी खुलने में 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट बाद इसके भी दर्शन कराएंगे, उसके बाद चलेंगे आगे की ओर और अपनी जो यात्रा है उसको सुपर सफल बनाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं कनक भवन मंदिर पे, और चलते हैं अब बाकी मतलब प्रभु श्री राम के और उनके भाई लक्ष्मण साथ में सीता माता के दर्शन कराते हैं आपको। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, एक ओवरव्यू आपको मिलेगा यहाँ का। ये है कनक बिहारी जी का मंदिर, श्री कनक भवन मंदिर। यहाँ का इतिहास मैं आपको एक बताता हूँ। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ था, संपन्न हुआ था, जब उनकी शादी हुई थी, तो जब पहली बार अयोध्या आए थे तो माता कैकेयी की तरफ से ये महल गिफ्ट था कि जब वो यहाँ पे आए सीता जी के साथ तो यहाँ पे प्रवेश करें। तो माता कैकेयी की तरफ से ये सुंदर भवन उनके लिए छोटा सा गिफ्ट था। यहाँ पे सीता माता और प्रभु श्री राम यहाँ पे रहे। तो अभी इन्होंने हिस्ट्री बताई है कि ये जो सीता माता को माँ कैकेयी ने मुँह दिखाई के रूप में ये कनक भवन दान किया था। हालांकि जो पौराणिक अयोध्या है वो अदृश्य हो चुका था, ये महाराज विक्रमादित्य के द्वारा दोबारा से बसाया गया है। तो उसी स्थान पर उसी रूपरेखा के हिसाब से महल निर्माण किए गए हैं, लेकिन ये प्रतीक उसी चीज़ का है जो कि पौराणिक कथाओं में कहा गया है। तो ये संपूर्ण जानकारी है आपके लिए, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलकर जय श्री राम। जय श्री राम। तो अभिषेक भैया, जूता उता मिल गया आपका? सही सलामत। इनको बड़ी टेंशन थी कि नहीं, आपने डरा दिया था, शुरू में ही डरा दिया था कहीं से। अक्सर जब प्रभु की शरण में जाइए तो प्रभु का ध्यान करिए, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। जब आप कदमों के चप्पल का जूते का ध्यान करेंगे तो दुनिया कहाँ जाएगी बताइए। आपने डरा दिया था ना, आप डरिए नहीं, आप बोले कि मंदिर के बगल से अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है, लोग पैदल जाते हैं। अक्सर होती है, हमेशा नहीं आता जाना, इसलिए डर गए थे। अरे यार, चप्पल दिला देते, क्या बात है, वो अलग की बात थी। अच्छा, अभी हम पूछ रहे हैं अपने रवि भाई से कि रवि भाई, 32 दिन बाद कैसा लग रहा है आपको इस पहिया वहाँ पर बैठ कर? अलग ही लेवल की यहाँ पे झुंझुली है। सारे सारे वाइब्रेशन खत्म हो गए होंगे बॉडी के। आपके जो अच्छा, आप क्या बोलो रहन, ये ब्लॉग में ये सब नहीं बोल सकते। समझ जाइए, भावनाओं को समझ जाइए। तो ये देख रहे हैं आप अयोध्या, जो पतली पतली आपको सड़कें दिखाई देती थी पहले, अब उसको काफी चौड़ा किया जा रहा है, और उसी चौड़ीकरण में ये पूरा जो है तोड़ा जा रहा है। जो रोड पर दुकानें थी और जो मकान थे जो कि उस रेंज में आ रहे थे, उनको ध्वस्त किया गया है, और नवीनीकरण के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा सरकार को। तो चलिए दिखाते हैं आपको, आगे पीछे सब पूरा ध्वस्त पड़ा हुआ है। इसको देखकर मुझे विंध्याचल की याद आ गई, बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा कभी विंध्याचल जब हम लोग गए थे तब वहाँ का था, और आज अयोध्या में यही चीज़ देखने को मिल रहा है। क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को उसमें एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अभी उसी समस्या के निदान के लिए यहाँ पर चौड़ीकरण की पूरी गतिविधियाँ जो है अनुसरित की जा रही हैं। चलिए अभी चल रहे हैं नए घाट की तरफ, राम की पैड़ी पर, और वहीं पर ब्लॉग एंड करेंगे। बस बने रहिए कुछ देर और देखते रहिए ब्लॉग बस्टर। तो भक्तजनों,
अयोध्या वासियों और अयोध्या के बाहर के वासियों, हम लोग अभी पहुंच गए हैं राम की पैड़ी और ये बहुत ही विहंगम दृश्य, सनसेट हो चुका है और सनसेट के बाद कुछ और खूबसूरत हो जाता है अयोध्या का राम की पैड़ी। ये स्थान जो है आपको कई बार दिखा चुका हूँ अपने ब्लॉग में, दीपोत्सव का ब्लॉग हुआ या पर्सनल ब्लॉग हुआ, तो सारे ब्लॉग में इसका एक अलग ही लुक आपको देखने को मिलता है। तो बैकग्राउंड में देखिए और दूर से आनंद लीजिए इस राम की पैड़ी की अनुपम छवि का। और चलते हैं, मिलाते हैं आपको फिर से हमारे भाई रवि जी से। रवि भाई, ऑटो में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था, तो मतलब सच में आज आपको एरोप्लेन का फील हो रहा था उसमें ये रिक्शा? मैं बैठा हूँ तो मेरे बॉडी में वो जो वाइब्रेशन है ना, जो रिक्शा चलता है धड़ धड़ रोड को वाला, तो वो झंझट पूरा फील हो रहा था। और मतलब उस टाइम ना मेरे घुटनों में नया नया लग रहा था, पेन हो रहा था उस टाइम पर। ये अलग एक्सपीरियंस लग रहा मुझे, क्या हो रहा है मेरे साथ में। और आप देखिए पीछे 35 दिन बाद ये पहिए के ऊपर आए थे, एक तरह से इनकी ज़िंदगी वापस पहिए पर अब आ जाएगी कुछ दिनों तक, 32 दिन बाद। और प्रिंस भाई ने बहुत ही अच्छा इनका जुगाड़ था कि हम लोग इतनी जल्दी जल्दी दर्शन कर लिए। अरे कृपा, उसको जुगाड़ ही कहते हैं अवधि भाषा में। अच्छा, अपनी भाषा फैजाबाद वाली। और चलिए थोड़ा सा यहाँ का और सिनेमैटिक शॉट देखिए और इसके बाद लता मंगेशकर चौराहे पर पहुँच के ब्लॉग को एंड करेंगे। 5 मिनट का ब्लॉग और है, बने रहिए किसी तरह। जय श्री राम। तो अभी राम की पैड़ी पर हैं और यहाँ पर हमारे मित्र लोग भी मिल गए हैं, तो एक बार बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय। तो ये है राम की पैड़ी पर जो जल का उद्गम स्थान है, जहाँ पर डैम बनाकर इसके पीछे डैम से इस राम की पैड़ी पर पानी प्रवाहित किया जाता है जल को, सरयू जल को। और इसके बाद गर्मियों में तो ये अयोध्या का एक वाटर पॉइंट है, जहाँ पर लोग आकर अपनी दिन भर की गर्मी उसको दूर करते हैं, यहाँ पर नहाते हैं। तो इसको हम अयोध्या का वाटर पार्क भी कह सकते हैं, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। और बस यहाँ से अभी हम लोग मुड़ देंगे वापस लता मंगेशकर चौक की तरफ और वहाँ पर ब्लॉग एंड करेंगे। रघुवर जी को दर्शन, रघुवर जी को दर्शन, रघुवर जी को दर्शन, रघुवर आली मोहे। तो जाते जाते माता सरयू के भी दर्शन करिए, बहुत ही पावन निर्मल जलधारा। और उसके बाद चलते हैं लता मंगेशकर चौक पे और जैसा कि पहले भी बोला वहीं पर ब्लॉग एंड करेंगे, तो चलते हैं वहाँ पर और चलते हैं। तो आ गए हैं अभी हम लता मंगेशकर चौक पे और बहुत ही अच्छा अनुभव है यहाँ का, हर बार रहता है जैसा कि आप जानते हैं। थक बहुत गए हैं, सुबह जो है करीब 9:30-10 बजे का चल रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लगभग करीब 25 किलोमीटर हम लोग पैदल आज चल चुके हैं और 25 किलोमीटर चलने के बाद अभी घर जाएंगे तो फिर पैर की कंडीशन पता चलेगी, अभी तो फ़िलहाल चलते जा रहे हैं। और ये है स्वर कोकिला श्री लता मंगेशकर जी स्वर्गीय, उनकी स्मृति में ये चौक बनाया गया है इस बीड़ा पे, और यहाँ पर उनके याद में उन्हीं के स्वर में 24 घंटे यहाँ पर उनकी भजन और उनके गायन चलते रहते हैं। तो चलिए यहाँ से अब देखते हैं क्या है, बस 2 मिनट और रुकिए। तो ये है लता मंगेशकर चौक और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम अपना ब्लॉग एंड करेंगे और हमारे जो रवि भाई हैं
इन्होंने बहुत ही इंजॉय किया, आई होप आप सबने देखा ही, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और हर तरफ मुझे लोग मिल रहे हैं भाई जी के साथ, यहाँ से वहाँ हो रहा हूँ। अच्छा, मैं मतलब इतना इंजॉय कभी नहीं किया। तो एक्सपीरियंस आपका कुल मिलाकर अच्छा ही रहा है? बहुत बहुत अच्छा रहा। और वासियों को मैं बोलना चाहूँगा दिल से धन्यवाद, कोटी कोटी मेरा आपका दिल से धन्यवाद। हमने आपकी बदौलत जो है आज 6-7 साल बाद खुद राम जन्मभूमि के दर्शन किए। और बस इसी के साथ जो है आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। और ब्लॉग एंड करने के साथ साथ आपको यही बोलेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और नुमान भाई को भी फॉलो करना। और रवि भाई हमारे जो है यहाँ से जब निकलेंगे उसका भी आपको नोटिफिकेशन उनके हैंडल से मिल जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक यही कहेंगे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारा चैनल ब्लॉग बस्टर। जय श्री राम।